हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सेवन के मैथ्स के बारे में, जिसका आपका चैप्टर थ्री चल रहा था हमारा। तो ये है आपके एक्सरसाइज 3.3। तो हम देख लेते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। यूज द बार ग्राफ 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस 3.3 वाले फिगर का यूज़ करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो ये आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब दो स्टूडेंट्स होंगे, नंबर है स्टूडेंट्स की 6 होंगे, 4 होंगे उस टाइप का, और ये आपके पेट एनिमल्स है। ओके, तो मतलब ये शो कर रहा है डायग्राम कि इतने स्टूडेंट्स के पास इतने एनिमल्स होंगे, या इसके पास इतने कैट्स होंगे, या इसके पास इतने रैबिट्स होंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछे हैं विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पालतू जानवर कौन सा है। हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पालतू जानवर कौन सा होगा। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके जिनके पास पालतू पशु कुत्ता है। ओके, इन दो के आंसर देना है सिर्फ इस डायग्राम को देख के, इस फिगर को देख के। ओके, तो देखते हैं हम सबसे पहले कि किसका पूछा, पेट का। सो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डॉग से वो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं उसे, 8। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास डॉग है, 8। कैट्स कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिसके पास कैट है, 10। रैबिट्स कितने स्टूडेंट्स के पास हैं, ओनली 2। हैमस्टर्स 5 एंड अदर्स 3। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसकी नंबर शो हो रही है आपको, कैट की। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके पास कैट्स है, ठीक है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का ए हो जाएगा आपका। आप लिख सकते हैं कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके, ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट का ए कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके जिनका पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स की नंबर, डॉग कहाँ पे, यहाँ पे, तो डॉग के सामने कितना आ रहा है आपका, 8। तो ऐसे कितने विद्यार्थी है आपके, 8। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप एट स्टूडेंट्स हैव डॉग इज अ पेट। ओके, इस टाइप का पूरा लिख सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द बार ग्राफ 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई अ बुक्स ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हिंदी मीडियम वालों की बुक में लिखा होगा कि निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई है। ओके, पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो हम देख लेते हैं आपको इस बार ग्राफ को पढ़ना है और 5 बुक्स के ईयर दिए गए हैं आपको कि 5 कंसेक्यूटिव क्रम, मतलब कंसेक्यूटिव मीन्स होता है आपका क्रमागत, 1 के एक के बाद एक। ओके, तो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। 1989 में कितनी बुक्स बेची गई, 1919 में कितनी बेची गई एंड 1991 में कितनी बेची गई। ओके, तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1989, ये 200 के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, तो 200 की जस्ट थोड़ा सा नीचे मतलब 190 या 180 होगा। तो 1989 में आपकी कितनी बुक्स हो गई, समथिंग 180। ओके, तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं सेकंड का, फर्स्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। तो आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ। ओके, इन 1989 अबाउट कितनी बुक्स है आपकी, 189। तो आप लिख सकते हैं इन 1989 180 अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं पता है इसलिए आप अप्रोक्स यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद पूछा आपका 1990 एंड 1992। इसी तरह से आपका 1919 और 1992 में लिख देते हैं हम, इन 1990 एंड
इन 1992 ओके। तो 1990 में आपका है, ये है 1990, ये है आपका 500 से थोड़ा सा नीचे है आपका, ठीक है, और 70 से ऊपर होगा। तो ये समथिंग कितना होगा आपका, ये समथिंग कितना होगा आपका 475 ओके। तो हम लिख सकते हैं 475 अप्रोक्स ओके। ऐसे 1992 में ये आपका 200 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, तो इसमें कितनी हो जाएगी आपकी 225 अप्रोक्स ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से ईयर में 475 बुक बेची गई है और कौन से ईयर में 225 बुक। अब ईयर बताना है, तो अभी जस्ट करा हमने 475 कितना था हमारा 1990 में, और 225 कितने में था हमारा 1992 में। तो इन विच ईयर की जगह आप क्या लिख सकते हो 1990 ओके, एंड इसमें लिख सकते हो आप 1992 ओके। ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर्स वर फेवर देन 250 बुक सोल्ड, मतलब ऐसे कौन सा ईयर से जिसमें 250 से ज़्यादा बुक बेची गई आपकी ओके। तो देखते हैं हम, ये है आपका 1989, ये तो इसमें तो आपकी थी 180, 1990 में आपकी 470, 1991 में भी आपकी ये 300 से नीचे दिख रही है, आपका है 1992 ओके। ये है आपका 1991 और ये है आपका 1992। तो 1992 में हमारी 225 थी एंड 1991 में दिख ही रहा आपको थोड़ा सा 300 से जस्ट नीचे है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या 1991 में 300 से कम है आपका, तो 300 से कम या तो 280 होगी या 270 होगी अप्रोक्स। हमको क्या पूछा है कि 250, हमको क्या पूछा है कि 250 से कम, ठीक है। तो 250 से कम एक तो 1992 में है आपकी और एक है आपकी 1991 में ओके। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि आपका 1989 तथा 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई ओके। क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप यह समझा सकते हैं कि किस ईयर में कि 1989 में बेची गई पुस्तकों को आकलन किस प्रकार करेंगे ओके। तो हम देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि दंडालेख के अनुसार, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ। तो आप लिख सकते हैं, रीडिंग द बार ग्राफ वी कैलकुलेट द 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989 ओके। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपको सारी वीडियोस करना है, सारे क्वेश्चन से सॉल्व करना है या ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे।